हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 5 अप्रैल है और आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिवाइज्ड सर्कुलर जल्द ही लेकर आएगी। वॉलमार्ट के नए दोस्त हमारे देश में कौन है? सर्विस सेक्टर में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और पिछले 13 सालों से फिच ने भारत की जो रेटिंग है, ओवरऑल हमारे देश की जो रेटिंग है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है, तो ये ऐसा क्यों है? फिर मिस्टर ट्रंप ने हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ तीखी टिप्पणियां की हैं मिस्टर ट्रंप साहब ने, तो देखेंगे कि ये जो उनके स्टेटमेंट हैं ये कितने रैशनल हैं या फिर कितने अपडेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो बात थोड़ी पुरानी है। और उदय कोटक महिंद्रा बैंक के जो टॉप हेड हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे और इसी के साथ कुछ इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई, खास करके जो कैश का उपयोग होता है, तो इसके कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 12 फरवरी 2018 यानी कि आज से एक साल पहले, लगभग एक साल पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर बाहर निकाला था। एक बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बताया था कि अगर कोई लोन 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लोन है और अगर एक दिन भी जो ड्यू डेट है आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए जो 90 डेज का आपको टाइम दिया जाता है, अगर एक दिन भी उसमें मिस हो जाता है देन इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए स्ट्रेस्ड एसेट। और उसके बाद कुछ 180 डेज दिए जाएंगे। इन 180 डेज में अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तो फिर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की जो भी प्रोसीजर है वो इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि आप हर किसी जो आपके क्लाइंट हैं जो एक डिफॉल्ट की पोजिशन पर हैं, तो आप हर किसी के ऊपर एक प्रकार का एक जेनेरिक लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने इसको वन साइज फिट ऑल इस प्रकार का एक टैग भी दिया था RBI के इस सर्कुलर को, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रिवाइज करके नया सर्कुलर आने वाले कुछ ही दिनों में लेकर आने वाली है। नया सर्कुलर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि कुछ 3.4 लाख करोड़ रुपीज़ की जो लोन्स हैं वो फिलहाल यू नो स्ट्रेस सिचुएशन में हैं। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की लोन जो है वो तो पावर सेक्टर को दी है और बाकी की जो 1.4 लाख करोड़ रुपए की जो लोन है ये अलग अलग सेक्टर्स को दी है। तो ऑफकोर्स बैंक नहीं चाहती, बैंक किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना नहीं चाहती, बैंक नहीं चाहती कि इस प्रकार के ऑक्शंस हों। बैंक ने आपको पैसे दिए हैं तो बैंक्स चाहती हैं कि उनको अपने पैसे जो हैं प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट जो हैं वो टाइम पर मिल जाएं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सर्कुलर को रिजेक्ट किया है, तो जो नया रिवाइज्ड सर्कुलर है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मार्केट में ना रहे। शक्तिकांत दास हमारे एपेक्स बैंक RBI के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट जो है उन्होंने बेसिकली एक क्लेरिफिकेशन दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है इसमें एक सेक्शन 35AA है। ये जो सेक्शन 35AA है इसी के तहत मीन्स इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें शक्तिकांत दास साहब ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो जनरली जो डेप्टर के ऊपर जो वन डे आपने मिस किया और सारी प्रोसीडिंग जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन है 35AA इसको रिजेक्ट नहीं किया है, इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को रिजेक्ट नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि आप स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स बाय स्पेसिफिक डेप्टर्स के ऊपर ही ये जो कठोर स्टेप है वो अप्लाई करें। तो ये एक चीज जो है वो आपको भी समझनी है, हम सबको समझनी है, पूरी मार्केट को समझनी है कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई की अथॉरिटी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है, ये जनरली को थोड़ा स्पेसिफिक करने की बात कही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस सर्कुलर में जो पहले एक पुराने लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम थी, जैसे कि S4A स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, तो इसको इस सर्कुलर, ये जो 12 फेब का सर्कुलर था, तो इस सर्कुलर ने इस चीज़ को भी बंद कर दिया था। तो अब हो सकता है कि ये फिर से रिजरेक्ट हों, पुनर्जीवित हों फिर से S4A और ऐसे दूसरे जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स जो थी उसको फिर से शायद आरबीआई जो है वो रीइंट्रोड्यूस कर सकती हैं। मूविंग ऑन टू सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, इट्स अबाउट वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक जायंट कंपनी है एज वी ऑल नो, और वॉलमार्ट ने एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप तो नहीं बट द राइट वर्ड वुड बी एक्विजिशन किया है, मर्जर हुआ है। तो ये जो हमारे देश की, इंडिया की एक ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट। कमेंट सेक्शन में अभी इस आंसर को पोस्ट कीजिए एज वी आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, और लाइव जो चैट बॉक्स हैं उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। नाउ द थिंग इज कि वॉलमार्ट जो है एक लंबे टाइम से भारत में रिटेल बिजनेस में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, और वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा नाम है यूएसए में, बहुत सारे इसके स्टोर्स होते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक वॉलमार्ट ने लॉबिंग भी की है, हमारे देश की सरकार को लॉबिंग की कि भई आप हमें परमिशन दें, लेकिन हमारे देश की सरकार ने वॉलमार्ट को ये परमिशन नहीं दी है। इसके पीछे रीज़न जो है, गवर्नमेंट क्या बिजनेस को एक्सपांड करना नहीं चाहती, क्या भारत सरकार हमारे रिटेल सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड करना नहीं चाहती है? ऑफकोर्स करना चाहती है, लेकिन अगर हमारे देश की कोई कंपनी इसको करती हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बाहर की कोई कंपनी यहाँ पर आती है तो प्रॉब्लम ये होगा। इतनी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट इज लाइक ए बिग ब्लू व्हेल, और हमारी जो देश में छोटे छोटे जो नेबरहुड स्टोर्स हैं जिसको हम कॉर्नर शॉप्स कहते हैं, प्रोविजन स्टोर्स कहते हैं, जनरल स्टोर्स कहते हैं, तो ये छोटे छोटे जो किराने की दुकानें हैं, तो हमारे देश में लगभग कुछ 12 मिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 करोड़ 20 लाख नेबरहुड स्टोर्स हैं, और हमारे देश में जितना भी ये जो रिटेल बिजनेस होता है 90% चीज़ें जो हैं वो ये छोटे छोटे स्टोर्स जो हैं वो बेचते हैं। तो कितने सारे लोगों की जॉब्स इसके साथ जुड़ी हुई है, कितने सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस नेबरहुड स्टोर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इन बड़े दिग्गज कंपनियों को एंट्री नहीं दी है। नाउ द थिंग इज कि वॉलमार्ट जो हैं उन्होंने ई कॉमर्स में एंट्री की, और कुछ टाइम पहले 1 फरवरी 2019 को गवर्नमेंट ने एक ई कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ जो रूल है वो अप्लाई किया, जिसके बारे में ऑफकोर्स हमने डिस्कशन कर ली है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द रूल, बट द थिंग इज़ कि अब ये जो यूएसए की बड़ी कंपनी है वो अपने प्लान को अब चेंज कर रही है। देखिए यहाँ पर उनके जो वॉलमार्ट इंडिया के हेड हैं क्रिश अय्यर तो उन्होंने ये अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि अवर सिंगल बिगेस्ट एजेंडा इज हाउ कैन दे बिकम मोर लॉयल टू अस, हु ही इज टॉकिंग अबाउट दिस नेबरहुड स्टोर्स। अब वॉलमार्ट अपना फोकस जो है वो होलसेल बिजनेस के ऊपर करना चाहती हैं। आने वाले 4 सालों में वो इस होलसेल बिजनेस को, होलसेल चेन को इतना बड़ा बनाना चाहती हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि मुकेश अंबानी जो हैं वो भी जियो स्टोर्स लेकर आने वाले हैं, और दूसरी जो भारत की कंपनीज हैं तो उनको एक टक्कर दे सके। अब वो रिटेल में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर इंटरेस्टेड इन होलसेल। अमेजोन भी इस प्रकार की एक चीज़ लेकर आने वाला है, नॉट होलसेल बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर सॉर्ट ऑफ रिटेल। तो वो छोटे छोटे स्टोर्स जो हैं उनके साथ अमेजोन कुछ पार्टनरशिप करने वाला है, और आप घर बैठकर अपने जो ऑर्डर्स हैं वो नज़दीक के स्टोर में दे पाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा कुछ उनका मॉडल है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उनका बिजनेस क्या है, क्या मॉडल है, मैंने आपको ब्रीफ दे दी है, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन वॉलमार्ट का केस जो है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो होलसेल चेन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। 2009 से वो होलसेल बिजनेस में हैं,
भारत में, वो होलसेल बिजनेस में हैं और इसको और ज़्यादा मजबूत और एक्सपांड करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जब खास करके मैं एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हमारे जो किसान हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेट्स होप कि ये जो होलसेल बिजनेस है उनसे उनका फ़ायदा हो जाए। क्यों? देखिए, बड़ी जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक बिजनेस मैनेजमेंट है तो आई नो दिस थिंग, कि दो प्रकार के इंटीग्रेशन किए जाते हैं। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, दिस इज योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए ये एक आपका रिटेल स्टोर है और ये आपकी एक कंपनी है, मान लीजिए वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो है वो अब, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट से शायद इतना ज़्यादा अच्छा समझ में ना आए, लेट्स टॉक अबाउट मैकडी, राइट, मैकडोनल्ड्स। अब मैकडोनल्ड्स जो हैं इनके अलग अलग जगहों पर स्टोर्स हैं, राइट, तो यहाँ पर आपको बर्गर्स मिलते हैं, चिप्स मिलती हैं, सो मेनी थिंग्स, कोक एंड एक्सेट्रा ड्रिंक्स। अब मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अपनी चिप्स के लिए जो पोटैटोज हैं वो अलग अलग फार्मर्स से मंगवाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से ये इम्पोर्ट भी होते हैं। अब मैकडोनल्ड्स ने क्या किया कि उन्होंने फार्मर्स की जगह उन्होंने ज़मीन खरीद ली और जो किसान हैं उनको हायर किया जॉब के तौर पर, और ये जो ज़मीन है उनके ऊपर जो वेदर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब पोटैटोस जो हैं इनके बड़े बड़े फार्म्स दुनिया के अलग अलग देशों में वो चला रहे हैं। तो ये हुआ उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन है। कंपनी जो है उन्होंने जो अपनी मेन सप्लाईज हैं तो उसमें भी अगर कोई ऐसी सप्लाई की चेन है या फिर ऐसा कोई सोर्स है जिसको खुद कंपनी ने खरीद लिया तो इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। जो हॉरिजॉन्टल होता है तो उसमें जो अलग अलग ब्रांचेस हैं या फिर यू नो साइड का, आप मान लीजिए कि आप पहले किसी यहाँ पर वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं, वॉलमार्ट है यहाँ पर, तो वॉलमार्ट अलग अलग ये होलसेलर्स को चीज़ें सप्लाई करता है तो अब ये इनको भी यू नो खरीद लेगा, या फिर अपने दूसरे जो सप्लायर्स हैं ऑपरेशंस जो हैं तो वो खरीद लेगा। तो दिस इज़ हाउ ये जो हॉरिजॉन्टल है वो इस प्रकार से काम करता है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि जो किसान हैं उनको अगर डायरेक्टली एक वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी जो हैं तो वो चीज़ें बल्क में ख़रीदती हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ यही होती है कि वो चीज़ों को बल्क में ख़रीद सकें। तो अगर वो गेहूं होलसेल में बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली किसानों से ख़रीदेंगे तो बीच के जो एजेंट्स हैं वो चले जाएंगे, वॉलमार्ट विल डायरेक्टली डील विद दिस फार्मर्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर आवर फार्मर्स। सेम थिंग गोज़ विद ये जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो वो चीज़ें जब बेचते हैं, कुछ बनाकर बेचते हैं तो एक लंबी चेन में से गुजरते हैं। अगर वॉलमार्ट जैसी कोई बड़ी कंपनी डायरेक्टली उनसे ख़रीद लेती हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स गोइंग टू बी विन विन फॉर बोथ वॉलमार्ट एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स। तो ये एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आई होप कि ऐसा हो, ताकि हमारे किसान जो हैं और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दो पैसे थोड़े ज़्यादा मिले तो उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाए। लो सर्विसेज सेक्टर आउटपुट, अब ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके बारे में आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे, निकी इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। तो ये जो सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हैं तो डेफिनेटली ये सर्विसेज के बारे में बात करता है या फिर सर्विसेज के साथ जुड़े हुए आंकड़े डिस्प्ले करता है। तो मार्च के जो आंकड़े हैं, फरवरी में ये 52.5% था, अब ये 52 है। तो हियर द थिंग इज, हमें एक छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 50 से जब ज़्यादा होता है ये निकी इंडिया सर्विसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स तो इट्स गुड, लेकिन 52.5 से 52 इज़ अ बिट यू कैन से मैटर ऑफ कंसर्न। और देखिए मार्च जो है ये पिछले 6 महीनों में सबसे स्लोवेस्ट पेस या फिर स्पीड इस पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर की रही है। इसके पीछे मेन रीज़न है स्लोअर एक्सपांशन इन न्यू वर्क, नया काम जो है वो इतना जल्दी आ नहीं रहा है।
मीनवाइल अगर ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करें, जो एक मार्केट में या फिर सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, तो वे काफ़ी एक एक ऑप्टिमिज्म लेकर चल रहे हैं। दे आर होपफुल कि चीज़ें जो हैं आने वाले कुछ ही महीनों में कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएगी। और निकी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जो है, इसमें भी हमें एक डिप देखने को मिली। 53.8 था ये फरवरी में, एंड इन मार्च इट इज़ 52.7। अगेन इट इज़ अगेन ए 6 मंथ लो। अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि ये जो कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स होता है वो किस के लिए होता है, राइट? किन किन चीज़ों को ये देखता है? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है लाइक सर्विस या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई? व्हाट इज इट ऑल अबाउट दिस कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स? अपना आंसर या तो चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करना है। फिच ने पिछले 13 सालों से भारत का जो एक रेटिंग, उन्होंने, फिच इज ऑफकोर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और पिछले 13 सालों से हम एक ही पोजिशन के ऊपर हैं, एंड इट इज BBB-, एंड दिस इज़ द लोवेस्ट यू कैन से ग्रेड। सोवरिंग रेटिंग जो दी जाती है, तो भारत का सोवरिंग रेटिंग जो है इट इज़ एट BBB-, लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड विथ स्टेबल आउटलुक, सेइंग ए वीक फिस्कल पोजिशन कंटिन्यूज टू कंस्ट्रेन इट्स रेटिंग। मतलब यह है कि भारत की जो फिस्कल सिचुएशन है, भारत सरकार की, दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, बड़ा कंस्ट्रेन है कि रेटिंग जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट अपग्रेड जो था वो 2006 में था, फ्रॉम बीबी वी वेर अपलिफ्टेड टू BBB-। और ये जो हमारा फिलहाल जो भी एक पोजीशन पर हम हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रोथ आउटलुक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीडियम टर्म में हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इसी के साथ साथ ग्लोबल एक्सटर्नल जो प्रेशर हैं या फिर हेडविंड्स हैं, तो उसको भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से झेल पाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो हाई पब्लिक डेप्थ, यानी कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज, फिर फाइनेंशियल सेक्टर का वीक होना, स्ट्रक्चरल फ्लोज हैं कुछ हमारे, राइट, लैगिंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं और इसी वजह से हमारी पोजीशन BBB- है। रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक अगर नहीं होता तो इससे भी ख़राब हमारी पोजीशन हो सकती थी। फिच ने अपना जो एक एक्सपेक्टेशन है भारत के ग्रोथ का इस ईयर का, नए साल का 2019-20 का, तो ये 6.8 रखा है, और 2021 का उन्होंने 7.1% रखा है। और फिच ने ये बताया, वीक फिस्कल पोजीशन कंटिन्यूज टू कंस्ट्रेन इंडिया सॉवरेन रेटिंग, इन दिस रिगार्ड द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी विल बी ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फ्रॉम ए रेटिंग पर्सपेक्टिव। जो नई सरकार बनेगी तो नई सरकार किस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी लेकर आती हैं, दैट विल मैटर द मोस्ट। और ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 30 सालों को अगर हम एनालाइज करें तो जितनी भी सरकार आई हैं, सारी की सारी सरकारें जो हैं वो एक रिफॉर्म माइंडेड सरकारें रही हैं, तो दैट्स अ थिंग। मिस्टर ट्रंप ने भारत को ट्रैफिक किंग कहा है, बेग योर पार्डन, टैरिफ किंग कहा है, नो ट्रैफिक, टैरिफ किंग। प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये बताया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टैक्सिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। उन्होंने हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये बताया कि भारत भी मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करता है। भारत के मोटरसाइकिल्स जब USA में आते हैं तब हम उनको किसी भी प्रकार की ड्यूटीज़ उनके ऊपर नहीं लगाते हैं, वी चार्ज देम नथिंग। लेकिन हमारे हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स जब भारत जाते हैं तब वो हमें 100% ड्यूटी लगाते हैं, यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल है $10,000 का तो उसके ऊपर आपको $10,000 ड्यूटी पे करनी है, देन इट विल कॉस्ट यू $20,000 इन आवर कंट्री। ये बात सच है कि इम्पोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर भारत थोड़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाता है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये जो उन्होंने हाल ही में एक ये एनुअल स्प्रिंग डिनर था नेशनल रिपब्लिकन कॉन्ग्रेशनल कमिटी का, और इसी मौके के ऊपर उन्होंने ये बात बताई, ये स्टेटमेंट दिया, बट दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि इंडिया ने ये जो ड्यूटीज़ हैं उसको काफ़ी कम की हैं। 50% ड्यूटीज़ हमने कम कर दी हैं जब से मिस्टर ट्रंप ने इसके बारे में कंप्लेन करने की शुरुआत की, तब से हमने 50% इसमें रिडक्शन किया है। UK कि एक मोटरसाइकिल ब्रांड है ट्रायम्फ, और ट्रायम्फ जो हैं उनके ऊपर भी हम 100% लगाते थे, तो उसमें भी हमने कम किया है, तो वी हैव रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि हम आज भी उनको उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाते हैं, वी मीन्स ड्यूटीज़ यानी कि 100% नहीं लगाते, वी हैव रिड्यूस्ड इट। तो
दैट्स द थिंग. और दोनों देशों के बीच में जो ये ट्रेड डिफरेंस जो हैं, ये एक आप कह सकते हैं कबाब में हड्डी, बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को लेकर. जो इश्यूज हम देखते हैं तो वो इसी चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं. और एग्जांपल यहाँ पर हैं आपके लिए कि 2017 में भारत ने सिर्फ 84 हार्ले डेविडसन्स को इम्पोर्ट किया था और इसकी टोटल कीमत है 1.17 मिलियन डॉलर. तो इतनी बड़ी रकम नहीं है इफ़ यू कंपेयर इट विद 126 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड जो दोनों देशों के बीच में होता है. 2017 में 3,000 हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स हमारे देश में ही असेंबल हुई थी और ज़्यादातर मोटरसाइकिल असेंबल होकर बिकती हैं, सिर्फ 84 ही इम्पोर्ट हुए थे. तो ये भी एक चीज़ है. और इसी के साथ भारत ने दूसरे भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हमने वहाँ से गैस, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो इन सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करने की शुरुआत कर दी है. तो यूएसए को ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. बिलियनर उदय कोटक साहब ने ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंशियल टूल, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं. उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा कि ये बॉन्ड जो हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, इसमें भी ओपेकनेस हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है. हाल ही में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये जो एक एनोनोमियस डोनेशंस होते हैं तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग में हमें देखने को नहीं मिलती है. इसमें बहुत सारे फ्लोज हैं, इट्स नॉट ए फुल प्रूफ सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्कशंस इसके ऊपर की हैं. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है कैश, राइट, कि कैश इतने ज़्यादा हमारे मार्केट्स में होते हैं. देखिए, मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू, मान लीजिए कि कल कोई नई पार्टी भी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अगर वो डीमोनिटाइजेशन करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि डीमोनिटाइजेशन से क्या कोई फ़ायदा हुआ है या फिर होगा. क्योंकि कैश जो है इसका उपयोग थोड़ा कम हुआ है, नो डाउट. ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो पहले बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज इसका एक उपयोग हर जगह पर आपको देखने को मिलता है कि इट हैज़ इंक्रीज्ड. तो ये एक बेनिफिट है. ऐसे और डिमोनिटाइजेशंस शायद करने चाहिए या फिर कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे कि इलेक्शंस में कैश जो हैं उनका इतना ज़्यादा उपयोग ना हो सके. मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं डिमोनिटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ. नो, द थिंग इज़ आई एम अगेंस्ट दिस कैश, कैश इन द सेंस कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है कितना ज़्यादा. देखिए, टोटल 689.44 करोड़ रुपीज़ जो हैं, इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसका सोर्स क्या है. 53% ये फंडिंग है. 2017-18 में छह जो बड़ी पार्टीज हैं, इसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अगर एक्सक्लूड कर दे तो बाकी की जो छह नेशनल पार्टी हैं तो उनका टोटल जो फंडिंग उनको मिला उसका 53% अननोन सोर्सेस में से था. तो ऐसी ही अगर चीज़ें चलती रही तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे ये कैंसर की तरह है. देखिए, यहाँ पर डीएमके के एक मेंबर हैं, उनके एक जगह में से कुछ 11 करोड़ रुपए मिले हैं. अच्छी तरीके से इनकी पैकिंग की गई थी ताकि वार्ड वाइज किस जगह पर कौन सा बंडल पहुंचना चाहिए, ये सारे कार्टून्स तैयार थे. अरुणाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, बीजेपी के कैंडिडेट के बेटे के वहाँ से कुछ 1.8 करोड़ रुपीज़, 1.8 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश में मिले हैं. और आज भी पैसे, मसल पावर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं. मसल पावर यानी कि दादागिरी, बाहुबली एंड ऑल दिस थिंग्स. तो ये हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर देते हैं. तो इकोनॉमी में भी कैसे हम कम से कम कैश का उपयोग करें, व्हाइट मनी का एक्सपांशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट मनी हमें देखने को मिले, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, देश को काम करना चाहिए. यू नो, गवर्नमेंट को, बैंक्स को नई तरीके ढूंढने होंगे कि कैसे हम कम से कम कैश, और जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो ऐसा ना हो कि इसके ऊपर चार्जेस हों. अगर चार्जेस होंगे तो फिर लोग जो हैं वो कैश की तरफ ही आगे बढ़ेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अगर केन्या एक ऐसा देश है, ऑफ कोर्स केन्या इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, लोग भी बहुत अच्छे हैं केन्या के एंड थिंग्स लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग कि केन्या एक ख़राब कंट्री है, लेकिन कंपेयर टू इंडिया केन्या एक छोटी इकोनॉमी है.
डेवलपिंग के कंटेक्स्ट में, डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो भी हमसे पीछे है, लेकिन फिर भी वो देश में 86% प्लस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. तो क्या हम ये चीज़ हमारे देश में नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल में लाना होगा. पॉलिटिकल पार्टीज़ जब कंट्रोल में आएगी तब रियल एस्टेट और दूसरे जो भी बिजनेसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैश का उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. टुमारो विल मीट यू अर्ली मॉर्निंग with Hindu analysis. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.